ਮਾਝੇ ਮਾਲਵੇ ਦੁਆਬੇ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਜਿੱਥੇ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਮੌਸਮ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਤਨੀ ਟੋਪ ਨੱਥਾ ਟੋਪ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਅਤੇ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਠੰਡ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਰ ਹੈ ਬਰਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੋਂ ਪੱਤੀ ਟੋਪ ਵਿੱਚ ਨੱਥਾ ਟੋਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਈ ਲੋਕ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਪਤਨੀ ਟੋਪ ਦੇ ਵੱਲ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ, ਪਰ ਪਤਨੀ ਟੋਪ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸੜਕ 'ਤੇ ਫਿਸਲਨ ਹੋ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਨੀ ਟੋਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੁਕ ਕੇ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਚੱਕਣਾ ਪਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਤਨੀ ਟੋਪ ਵਿੱਚ 7 ਇੰਚ, ਨੱਥਾ ਟੋਪ ਵਿੱਚ 1.5 ਫਿੱਟ ਬਰਫ਼ ਪੈਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਸਮ ਦਾ ਮਿਜਾਜ਼ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। जहाँ पे सैलानियों का सिलसिला लगातार बढ़ता ही जा रहा है, आप देख सकते हैं काफ़ी तादाद में जो सैलानी है इस वक्त जम्मू के पत्नीटॉप इलाके में पहुंचे हैं। कुछ सैलानी इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है, ये बातचीत करते हैं उनके साथ। जी मैम, आपका नाम? मेरा नाम सुरभि भट्टाचार्य है, मैं लखनऊ से आई हूँ एंड फर्स्ट टाइम पत्नीटॉप आई हूँ एंड इट्स ऑसम ऑसम वैली, सबको एक बार ज़रूर आना चाहिए यहाँ पे। थैंक यू जी। आप जो बाहर लोग हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं मैसेज दूंगी कि यहाँ की आर्मी बहुत अच्छी है, यहाँ के लोग बहुत सपोर्टिव हैं एंड यहाँ की जो वैली है, अगर वो जम्मू एंड कश्मीर आते हैं तो डेफिनेटली यहाँ ज़रूर आएँ, जिससे कि इस जगह को और भी प्रमोशन मिले। जी, जिस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सैलानी जो पहुँचे हैं और काफ़ी जो सैलानी हैं यहाँ पे खुश नज़र आ रहे हैं। आइए, और भी कुछ सैलानी इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं कि जी सर, आपका नाम? मेरा रवि शंकर चौधरी है, मैं लखनऊ से हूँ। एक्चुअली हम लोग यहाँ पे आए हुए थे वैष्णो देवी, बट जब हमें पता चला कि यहाँ पे बर्फ़ है और कम से कम हम पीछे गए हैं तो 6 से 8 गहरी फीट की बर्फ़ थी वहाँ पे, तो हम लोग वहाँ पे गए हैं, इन्जॉय किया है हम लोगों ने पूरा, और यहाँ के पूरा जो एटमॉस्फेयर है उसे हमने कैप्चर किया है और बहुत अच्छा लगा। हम लोग पूरा ग्रुप आए हुए थे और हम लोग का प्लान केवल वैष्णो देवी तक था, बट यहाँ आने के बाद हमें पता चला कि हम लोग की ट्रिप अब सक्सेस हुई है फाइनली, और हमें बहुत अच्छा लगा हुआ है। एंड हम लोग का एक्चुअली प्लान ले का था, बट यहाँ आने के बाद हमें लग रहा है कि हम दोबारा शायद यहीं पर ही आएंगे। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो यहाँ पे सैलानी आए हैं उनके चेहरे भी काफ़ी खिले हुए दिखाई दे रहे हैं, और आपको बता दें कि जम्मू के पटनी टॉप में 2 दिन पहले से ही काफ़ी बर्फ़बारी हुई है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे किस तरह से जो है बर्फ़बारी की जो सफ़ेद चादर है वो पूरी तरह से यहाँ पर दिखाई दे जा रही है, और काफ़ी तादाद में जो है सैलानी हैं जो देश विदेश और भारत के अन्य हिस्सों से भी हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं और बर्फ़बारी का जो है वहाँ पर लुत्फ़ उठाते नज़र आ रहे हैं। कैमरामैन सचिन के साथ दिनेश सूदन, लिविंग इंडिया न्यूज़, जम्मू।